विकास गुप्ता ने आखिर ये साबित कर ही दिया कि वो मास्टरमाइंड है और अगर उनकी स्ट्रैटेजी से नहीं चला जाए तो हर किसी की हो सकती है छुट्टी। आपने बिग बॉस का एपिसोड देखा, कल भी टास्क चला था, उसका टीजर जो है हमने कल ही देख लिया था, आज भी देखा, तो किस तरह से जो है पहले ही राउंड में उन्होंने शहनाज को अपने मास्टरमाइंड से बाहर कर दिया। हालांकि उन्होंने उसका रीज़न शहबाज का दिया कि शहबाज जो है वो अच्छे से नहीं खेल रहे थे, वो फ्लिप मार रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है शहनाज को बाहर किया। दूसरे राउंड में हम कल देखेंगे कि वो आरती को भी बाहर कर देंगे। जी हाँ, विकास गुप्ता जहां एक तरफ किसी और को बाहर करने की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं आखिरकार वो आरती को बाहर करेंगे। वही आरती जो विकास के पास गई थी कि तुम सिद्धार्थ को कैप्टन बनाओ, और विकास कहते हैं कि सिद्धार्थ जिसको बोलेगा मैं उसे बनाऊंगा, लेकिन और फिर वो आरती कहती है अच्छा तो फिर मुझे बना देना, नहीं तो फिर ऐसा करना कोई भी ना बने, तो सभी जो है वोटिंग पर डिपेंड हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि विकास जो है वो हर किसी को उन्होंने अपने अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की, कश्मीरा को भी शामिल करने की कोशिश की, और कश्मीरा ने बोला है कि एक राउंड के बाद मैं नेक्स्ट राउंड में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब कश्मीरा ने ये बात एकदम क्लियर कर दी थी कि ये एक राउंड के बाद मैं फ्लिप मारूंगी, तो ऐसे में कश्मीरा ने अपनी बात पूरी की और विकास ने गेम खेला। और उन्होंने वादा किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कश्मीरा को, कि पारस माहिरा को हम बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने बाहर निकाल दिया आरती को। जहाँ विकास ने यहाँ गेम खेला, वहीं मैं बात करना चाहूँगी कश्मीरा की। मुझे लगता है कश्मीरा शाह ने आकर आरती का गेम खराब किया है। आरती हमेशा सिद्धार्थ की टीम की वो सदस्य रही है जिसको सिद्धार्थ ने हमेशा सेव किया है, उन्होंने कभी भी जो है अपनी टीम को हमेशा आगे लेकर चले हैं। लेकिन जब विकास गुप्ता खेल रहे हैं, अपना मास्टरमाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में जो है उन्होंने सिद्धार्थ के दो स्ट्रांग प्लेयर को अलग किया है, एक है आरती और एक है शहनाज। ऐसे मोड़ पर जब फिनाले से 2 हफ्ते दूर हैं, ऐसे में टीम में फूट पड़ जाना बहुत ही गलत है। अब खुलेआम जो है सना इस बात को ठोक बजाकर कह रही थी कि अब हम आसिम को कैप्टन बनाएंगे, और वहीं कश्मीरा ने आरती के मुंह पर ये बोला कि इसे भी पता होना चाहिए कि इसका सगा कौन है। तो कहीं ना कहीं विकास जो है जिस तरह का गेम खेल रहे हैं, उनको मास्टरमाइंड कहा जाता है, उनकी कोई लॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी, लंबी स्ट्रैटेजी होगी। सना एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, वो सिद्धार्थ शुक्ला को टक्कर दे सकती है। क्या उन्होंने इसलिए शहनाज को फर्स्ट राउंड में तुरंत बाहर निकाल दिया, या वो ये काउंट कर रहे हैं कि उनके पास जितने सदस्य हैं, यानी पारस माहिरा, पारस की तरफ से आई हुई शेफाली, माहिरा की तरफ से आए हुए आकाश और विकास, ये तीनों ही जो है एकजुट होकर खेल रहे हैं, बाकी कनेक्शन जो आए हुए हैं बाकियों के घर से वो एक तरफ जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं। तो शायद विकास को ये लग रहा है कि सिर्फ लॉयल्टी अगर इन 3 सदस्यों में है तो इन्हीं 3 को लॉयल रखकर आगे खेला जाए, तो उनकी स्ट्रैटेजी मुझे अपने हिसाब से सही लग रही है। वहीं टास्क के दौरान हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हिमांशी को चोट लग जाएगी और इन्हीं सब में आसिम जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। तो क्या ये सारे टास्क में जब कनेक्शन को घर के अंदर बुलाया गया है, ऐसे में क्या किसी भी सदस्य को जब चोट लगती है, और खासकर हिमांशी को और आसिम का कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं एक और फिर से सॉफ्ट कॉर्नर, फिर से हमें कुछ रोमांस, कुछ रोमांटिक चीज़ें देखने को मिलेगी। हमने देखा कि टास्क के दौरान शेफाली को उन्होंने बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा था, शहबाज ने धक्का दिया और विकास जो है एकदम आकर उन दोनों पर गिरे और हिमांशी के नाक से खून आने लग गया। तो कहीं ना कहीं हिमांशी को कुछ ज़्यादा चोट लगी है, तो मुझे लगता है कि टास्क जो है 2 राउंड के बाद रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक शहनाज और आरती टीम में से कैप्टनसी की दावेदारी में से बाहर हो जाएंगे। तो देखना होगा कि आखिरकार फिर घर का कैप्टन बनता कौन है। तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।